आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं भुवन श्री, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। आम गरीबों की आवाज़ है आरपी भारत। जिले में एक बार फिर से आरपी भारत खबर का हुआ असर और गरीबों की अंधेरी गलियों को रोशन करने के लिए बिजली विभाग ने नया ट्रांसफार्मर गांव में लगवा दिया। गांव के लोग आरपी भारत और बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव साहिब को धन्यवाद दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आरपी भारत ने गांव के खराब बिजली ट्रांसफार्मर को लेकर जो खबर को प्रमुखता से दिखाया था, तो विभाग के एग्जीक्यूटिव ने इसे गंभीरता से लिया और गाँव वालों को 200 केवी का ट्रांसफार्मर देकर पूरे गांव को रोशनी से जगमगा दिया। आपको बता दें कि मामला राजमहल क्षेत्र के डाहू टोला पंचायत अंतर्गत खास टोला गांव का है। इस गांव में ट्रांसफार्मर जलने से करीब एक माह तक गांव में बिजली मानो जैसे ईद का चांद हो गई थी। इस गांव की समस्या प्रकाश में आते ही आरपी भारत के पत्रकार उक्त गाँव में पहुँच कर लोगों की समस्या से रूबरू होते हुए उनकी बातों को अपने कैमरे में कैद कर विद्युत कंज्यूमर की समस्या के खबर को प्रमुखता से प्रसारित करते हुए विद्युत विभाग सहित सरकार तक मामले को पहुंचाया। आरपी भारत की खबर चलने के पश्चात विद्युत विभाग साहिबगंज के एग्जीक्यूटिव मामले को संज्ञान में लिया। साहिबगंज बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव के निर्देश अनुसार विभाग द्वारा ग्रामीणों की मांग के अनुसार 200 केवी का ट्रांसफार्मर उक्त जगह पर लगा दिया गया है। वहीं ट्रांसफार्मर लगता देख ग्रामीण सहित विद्युत कंज्यूमर के बीच हर्ष का माहौल देखा गया। एक बार फिर से डाहू टोला पंचायत अंतर्गत खास टोला गांव में पहले की तरह रोशनी की जगमगाहट होने से लोगों के चेहरे पर खुशियां दिखी। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जब आरपी भारत में खबर नहीं चली तब 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया गया था, लेकिन खबर चलने के बाद और गांव वालों की मांग पर इस गांव में एग्जीक्यूटिव साहिब 200 केवी का ट्रांसफार्मर खुद ही लगवा दिए गए। फिर तथा कथित बिजली विभाग के दलाल के द्वारा प्रत्येक कंज्यूमर से 500 रुपए करके राशि की उगाही लगभग 120 घरों से की गई है। अतः एग्जीक्यूटिव साहिब से हम गांव वाले मांग करते हैं कि आम गरीब जनता से जो राशि की उगाही की गई है उसे गरीबों को वापस दिला दे और इसके पीछे जिसका हाथ है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कृपा करें। अगर मीडिया में ये बात नहीं आती तो हमारे गांव में ट्रांसफार्मर लगने में अभी 1-2 महीने और लग सकते थे। गांव वालों का कहना है कि गांव तो अंधेरे से उजाले में आ गया, लेकिन 500 रुपए लेकर जिसने गांव से उगाही की है अब उसका नाम भी उजागर होना चाहिए। गांव वालों ने बिजली विभाग को बदनाम करने वाले चेहरे का खुलासा करने की मांग करते हुए घूस लेने वालों के खिलाफ एग्जीक्यूटिव से कार्रवाई की मांग की है। साहिबगंज से आनंद भगत की रिपोर्ट। हम लोग बोले ठीक है लगवा दीजिए, तो बोला कि खर्चा पानी सेवा पानी देना होगा। ठीक है, हम लोग आप डायरेक्ट जेई साहब से बात किए थे? हाँ, जेई से। तो जेई साहब बोले खर्चा पानी देना होगा? हाँ, और भोला ठेकेदार से मना, हम लोग का बात डायरेक्ट भोला ठेकेदार से, कॉन्टेक्ट इनसे करवा दीजिए। हाँ, मतलब भोला जो है कॉन्टेक्ट जेई से करवा दिया। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग जेई साहब बात कर लिए। अच्छा, आप लोग डायरेक्ट संपर्क जेई से कर? डायरेक्ट हम लोग संपर्क जेई से कर लिए। ठीक, उसके बाद वो बोला कि ठीक है आप लोग को मिल जाएगा। एक एक महीना हम लोग को खूब घुमाया, घुमाने के बाद यही फिर रिपेयरिंग। कितना रुपए सर आप जेई साहब को दिए, कुल कितना रुपए दिए ट्रांसफर लगाने के एवज में? 200 के भी ट्रांसफर लगाने के नाम पर कितने रुपए दिया गया जेई साहब को? एक मिनट पीछे जैसा कि आपके ग्रामीण आपके गांव के ही बता रहे हैं, करीब करीब 120 कंज्यूमर अगर हम लोग दिए हैं, नो डाउट 500 रुपये प्रति कंज्यूमर, तो आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो करीब 60-70 हजार रुपया चला जा रहा है। मतलब हम अपने हाथ से नहीं दे, झूठ बोल के क्या? अच्छा, देने वाला दूसरा है। किन के माध्यम से दिया? वो है आदमी गांव में। अच्छा, मतलब वही लोग दिया था। अच्छा,
तो कितना दिए हैं वो तो पता होगा सर? ग्रामीणों का जैसे कहना है कुछ लोग कि पैसा जो हम लोग उठा करके जैसे आपके माध्यम से रख दिए। मैं मेरा माध्यम से नहीं रखा, दूसरा आदमी है। अच्छा, वो जय का हाथ में डायरेक्ट दिया था। अच्छा, वो भी आदमी है। वही जानकारी चाहिए था सर, कितना पैसा आपने जय साहब को दिया? मतलब वो लोग अपने, मतलब हम नहीं गए थे उस दिन। अच्छा, बटोना मतलब कितना पैसा गया सर, ये तो आपको जानकारी होगा। हाँ, ये लोग हमको बोल रहा है कि मतलब भोला को 12,000, जय को 30,000। अच्छा, 42,000 रुपए हम लोग दिए हैं। अच्छा, बाद बाकी पैसा? बाद बाकी पैसा भी मैंने ट्रांसफार्मर 200 के भी कर दे। देखिए, हम लोग का जो एरिया है यहाँ पे, अगर कभी भी मान लीजिए कोई सरकारी मिस्त्री का कोई सेवा हम लोग को मिलता नहीं है। अच्छा, कुछ भी काम हो, जैसे 11,000 का तार अगर गिर जाए, जब तक पैसा नहीं जमा करेंगे तब तक मिस्त्री नहीं आएगा। और रास्ता ब्लॉक रहेगा? हाँ, रास्ता तब तक ब्लॉक रहे या आदमी मारे, उससे कोई मतलब नहीं। पैसा जमा करेंगे तभी जाके मिस्त्री जो है तार उठाएगा। अच्छा, यहाँ इलाका के अंदर जितना भी ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, सबसे 10,000, 15,000, 20,000